आते हैं तो आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। आप सब लोगों को मालूम है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब संपन्न हो चुका है। 20 अक्टूबर को पटना दिल्ली में राष्ट्रीय इकाई के गठन का काम पूरा हुआ और कुछ काम इसका बाकी था जो आज पूरा किया जा रहा है। प्रदेश संगठन के चुनाव के दिन राज्य परिषद के लोगों ने मेरे ऊपर ही दायित्व दे दिया था कि आप ही इस काम को कर दीजिए, तो अधिकार लोगों ने दिया था। उस अधिकार के तहत प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ पदाधिकारियों की घोषणा आज की जा रही है, सूची जारी की जा रही है, सूची आपके पास दी गई है। इस सूची के अनुसार आप देखेंगे तो खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, बिहार को अलग अलग सेक्टर में हमने डिवाइड किया है संगठन की सुविधा के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ गतिशीलता के साथ करनी है और समय पर यह काम पूरा होना है। तो सुविधा की दृष्टि से कई सेक्टर में बांटने के पीछे मकसद यही है कि काम का डिवीजन लोगों के बीच इसके माध्यम से हो जा रहा है तो बेहतर तरीके से काम संगठन और संघर्ष का कार्यक्रम बाकी चुनाव का कार्यक्रम चल पाएगा। तो इस तरह से आज जो दायित्व मेरे ऊपर लोगों ने दिया था प्रदेश संगठन के चुनाव का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष फिर से श्री भूदेव चौधरी जी जो पूर्व सांसद हैं उनको बनाया गया है और प्रधान महासचिव निर्मल कुशवाहा जी हैं, बक्सर से आते हैं, इनको प्रधान महासचिव की जवाबदेही दी गई है। एक अभियान समिति भी पार्टी ने बनाया है, जितेंद्र नाथ जी उस अभियान समिति के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उसके अलावा 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, मदन चौधरी, वीरेंद्र कुशवाहा, मोहम्मद कामरान, श्रीमती रेखा गुप्ता, वीके सिंह जी और चंदन कुमार शाह बागजी, 6 कार्यकारी अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष और महासचिव लोग बनाए गए हैं। तो यह प्रारंभिक सूची है और कुछ प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अंतिम पेज में आप देखेंगे। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा जो पहले भी थे, हिमांशु पटेल युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, सुभाष चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्रवंशी, श्रीमती मधु मंजरी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, मोहम्मद मुश्ताक अहमद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, इंजीनियर रोशन राजा सूचना तकनीकी एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। तो इस तरह से प्रकोष्ठ अध्यक्षों के की सूची है, बाकी और भी प्रकोष्ठ है जो बाद में अब राज्य के लोग उसका गठन करेंगे, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो संगठन का काम जो चल रहा था एक विशेष अभियान के रूप में,
वह काम आज पूरा हुआ है। अब शुरू हो रहा है संघर्ष का कार्यक्रम, जो पहले से पार्टी करती रही है। लोकसभा चुनाव हुआ, उसके कारण फिर बरसात का दिन आ गया, फिर पार्टी के संगठन सदस्यता अभियान के माध्यम से इसका चुनाव करना था, तो थोड़ी गति धीमी हुई थी, लेकिन अब पूरे तौर पे पार्टी के संगठन का काम समाप्त हुआ है। तो अब संघर्ष के कार्यक्रम की भी घोषणा की जा रही है प्रथम पेज में, और इस संघर्ष के कार्यक्रम के लिए जो मुद्दे हमारे हैं उसमें आप सब लोगों को मालूम है कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा के मुद्दा को हम लेकर चलते रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्योंकि गरीब लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, और बिहार में सबसे अधिक अगर खराब स्थिति है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है। गरीब लोगों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी वही है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाकर दम तोड़ता है, कोई इंतजाम सरकारी अस्पताल में भी नहीं। तो न तो पढ़ाई का कोई इंतजाम है और न दवाई का कोई इंतजाम है। तो इसलिए जो पार्टी का मुख्य मिशन है उसमें हमने कहा है, रालोसपा का है पहला मिशन शिक्षा स्वास्थ्य का सही सॉल्यूशन। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का सही सॉल्यूशन निकालना हमारी पार्टी की कोशिश है, और आने वाला चुनाव में जितनी हमारी ताकत हम अर्जित करेंगे उसका पूरा पूरा इस्तेमाल गरीबों के लिए, सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करने के लिए हम करेंगे। क्योंकि मानव संसाधन का विकास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, और मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा दीक्षा और उनके स्वास्थ्य का ख्याल, यह दो चीज अगर हो जाएगी तो बाकी चीज आदमी खुद ब खुद कर लेगा देर से भी। लेकिन यह दो चीज नहीं होगी, आदमी का स्वास्थ्य नहीं होगा ठीक, और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो सरकार का दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन सरकार ठीक से नहीं करेगी तो फिर मानव का विकास नहीं हो सकता है, मानव संसाधन का विकास नहीं हो सकता। और उसी तरह से शिक्षा है, शिक्षा के बिना तो आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। शिक्षा ही आदमी के अंदर जो प्रकृति ने क्षमता दी है उस क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल आप कोई भी व्यक्ति तभी कर पाएगा जब शिक्षित हो, स्वस्थ रहे। तो मानव संसाधन के विकास के लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम सड़क पर भी पहले भी उतर चुके हैं, आगे भी सड़क पर उतरेंगे, और जनता को देर सवेर हम जरूर इसका सॉल्यूशन देंगे, यह हमारा मिशन है। कुछ मुद्दे हैं जिनमें छह मुद्दों को हमने जोड़ा है तत्काल, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, कार्रवाई और सुनवाई। इन प्रमुख छह मुद्दों को लेकर हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम हम 28 नवंबर से शुरू कर रहे हैं पश्चिम चंपारण से। 28 नवंबर जो महात्मा फूले साहब की पुण्यतिथि का दिन है, तो उस दिन से पश्चिमी चंपारण से हम शुरू करेंगे। जो कार्यक्रम है उसका नाम है जन संवाद यात्रा श्रृंखला। जन संवाद यात्रा श्रृंखला, श्रृंखला इसलिए नाम दिया गया है कि तीन दिनों की यात्रा होगी और तीनों दिन की यात्रा अलग अलग होगी उसी जिला में, अलग अलग, पहला दिन के लिए अलग, दूसरा दिन के लिए अलग, तीसरा दिन के लिए अलग। तो तीन तरह की यात्रा एक जिला में होगी, उसी तरह से प्रत्येक जिला में यह श्रृंखला चलेगा। इसका नाम जन संवाद यात्रा श्रृंखला। पहला दिन का जो कार्यक्रम होगा
पहला दिन की जो प्रथम दिन की जो यात्रा होगी उस यात्रा का नाम होगा पढ़ाई से दवाई तक, पढ़ाई से दवाई तक। दूसरा दिन की जो यात्रा होगी वह सिंचाई से कमाई तक, किसानों का जो सवाल है और नौजवानों के लिए कमाई की कोई व्यवस्था अपने राज्य में नहीं है। प्रधानमंत्री खुद भी उस समय प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार हुआ करते थे 2014 में, तो हर मन से घोषणा करते थे कि बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई तीनों के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए दवाई के लिए और कमाई के लिए। लेकिन नौजवान तेजी से बेरोजगार हो रहे हैं, जिनको रोजगार भी मिला हुआ था, नौकरी लोगों की जा रही है। मुख्यमंत्री बिहार के कहते थे कि अब बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि बाहर से बिहार में लोग आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद फिर तीसरा दिन की जो यात्रा है उसमें है कार्रवाई से सुनवाई तक। कार्रवाई जो पुलिस आज जनता के साथ कहीं कुछ घटना होती है तो कोई कार्रवाई जनता के पक्ष में, जनता के हित में पुलिस की ओर से नहीं की जाती है, पुलिस दूसरे कामों में लगी हुई है। शराब बेचने बिचवाने के धंधा में पुलिस लगी हुई है, और साथ ही साथ जब पुलिस की राइफल खुद ही फायर नहीं हो पा रही है तो पुलिस भी बेचारी क्या करेगी। तो कार्रवाई के मामला में भी नीतीश कुमार बिल्कुल फिसड्डी हैं। और फिर जो अंतिम रूप से कोर्ट होता है, न्यायालय, जहां सुनवाई, अंतिम सुनवाई के लिए लोग जाते हैं कि अब कहीं नहीं न्याय मिला तो हम वहां जाएं, तो आज वहां भी न्याय का रास्ता बंद है। क्योंकि कोर्ट में, हमने पहले भी कहा है कि नीचे के कोर्ट से हारते जीतते कोई जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला लेना पड़ता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है उसमें जज के रूप में महज कुछ लोगों का कब्जा है, जो बड़े लोग हैं। गरीब चाहे किसी घर का हो, दलित समाज का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, या सवर्ण जात का भी कोई दलित है, चाहे कितना ही उनका बच्चा मेरिटोरियस हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा बंद है। जब तक सामान्य लोगों में मेरिटोरियस विद्यार्थी नहीं जाएंगे जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो लोगों के लिए सुनवाई का काम भी नहीं हो पाएगा, जो आज नहीं हो पा रहा है। तो यह वहां भी ऐसी व्यवस्था हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, एसपी कलेक्टर की बहाली की तरफ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो जाए, ताकि हर गरीब के बच्चों को भी अवसर मिल पाए, मेरिट अगर रखता हो तो प्रतियोगिता में बैठे, उसको मौका मिले, और कम्पीट करता हो तो वह भी जज बन पाए, तब लोगों की सुनवाई ठीक से हो पाएगी। अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला जुलाकर जो मुद्दे हमने उठाए हैं, इन मुद्दों को पूरा करने की जवाबदेही बिहार की सरकार की ज्यादा थी और कुछ भारत की सरकार की भी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोग दूसरे कामों में लगे रहे, दूसरे कामों में लगे रहे, और 15 साल, 3 कार्यकाल लगभग नीतीश कुमार जी का पूरा हो रहा है। अब 3 कार्यकाल में जब कुछ भी नहीं कर पाए तो अब इनसे आगे की उम्मीद रखना अपने आप को धोखा में रखने जैसा है। इसलिए अब एक ही उपाय है कि जनता इन मुद्दों पर एकत्रित हो, एकमत हो, और नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाने का काम किया जाए। इसी तरह का वातावरण बनाने के लिए लोगों के बीच हम जाएंगे, सड़क पर पार्टी हमारी उतरेगी, और इस यात्रा के माध्यम से बिहार भर में इन चीजों को लोगों के बीच हम रखेंगे। और पक्का मुझको भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों में अब इनकी जो सच है, नीतीश कुमार जी की असलियत है, वह लोगों में बात अब पहुंचने लगी है। तो अब 15 साल इन्होंने, लोगों ने झेल लिया इनको, उम्मीद थी बीच के दिनों में कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, नहीं हुआ 3 टर्म में, तो अब 4th टर्म किसी भी हिसाब से बिहार की जनता इनको नहीं देगी, और
इनको हटाने के लिए हर तरह से हम लोग सड़क से लेकर सब जगह संघर्ष करेंगे, जिस संघर्ष के कार्यक्रम की घोषणा आपके सामने अभी की जा रही है। अरे विधानसभा का आम चुनाव देखिएगा ना, उसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है सर, इसका कोई मतलब नहीं, आगे देखिएगा। लेकिन सर इसमें आरजेडी ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ भाई, तो इसी तरह से और अच्छा होगा, देखिएगा ना सर, वही तो हम कह रहे हैं। पॉजिटिव है तो आपका, नेगेटिव है तो आपका नहीं है। नहीं नहीं, अभी से कोई मतलब नहीं इसका, इसे कोई सरकार बनना बिगड़ना था, इसे कोई शिक्षा की व्यवस्था संभव थी, इस चुनाव में कोई हार जाता जीत जाता, अस्पताल की दुर्दशा ठीक करना चाहते हैं, इस चुनाव से क्या उसका संबंध था? मुख्य चुनाव जो आगे होगा आम चुनाव, उससे संबंध इस बात का होगा कि गांव के स्कूल में ऐसे ही स्कूल वीरान पड़ा रहेगा या पढ़ाई वहाँ होगी, अस्पताल में बेड पर कुत्ते पेशाब करेंगे या वहाँ पढ़ाई होगी, या इस बात को तय करने वाला चुनाव होगा उसमें देखिए। हम कह रहे हैं ना, देखिएगा ना चुनाव होगा, आप लोग भी यही है ना, हम भी यही है। आरजेडी का मनोबल बढ़ा हुआ है, मनोबल तो बढ़ना ही है, अब आगे मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा, मनोबल अब नीतीश कुमार का गिरेगा, जो जो नीतीश कुमार का मनोबल गिरेगा, विपक्ष का मनोबल, आरजेडी हो, हम लोग बाकी सब लोगों का बढ़ेगा, जनता का मनोबल बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी का मनोबल गिरना, जनता का मनोबल बढ़ना, विपक्ष के लोगों का मनोबल बढ़ना।